हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। मैं हूं कांस्टेबल अशोक नुइया और आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल 1 लाख से ऊपर वैकेंसी की। तो सीआरपीएफ की 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी, तो लंबा इतिहास है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल की वैकेंसी की, कब वैकेंसी आएगी, कितने पद होंगे। तो 1 लाख से ऊपर पदों की घोषणा हुई है भारत सरकार के द्वारा और ये वैकेंसी जल्दी आएंगी। एसएससी के थ्रू वैकेंसी आती है सीआरपीएफ की और उसमें 1 लाख की वैकेंसी आएंगी। तो एसएससी जब जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एसएससी का सिलेबस फिक्स है, रीजनिंग आती है 25 की, मैथ आती है 25 की और जीके आता है 25 का, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक ऑप्शनल आते हैं, कोई भी चूज कर सकते हो आप। 25 नंबर का वो होता है, यानी टोटल 100 मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम लगभग पैटर्न सेम ही रहता है हर बार। और बढ़िया भर्ती आने वाली है, 1 लाख से ऊपर पोस्ट आती है और सीआरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के अंदर और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आती है। सीआरपीएफ का क्या काम है वो सारी चीज़ें अलग वीडियो में बात करेंगे अपन। तो बहुत बड़ी भर्ती है, बढ़िया तैयारी करो, अच्छा मौका है और सैलरी भी अच्छी है क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है इसलिए। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद आप सबको।